बिहार बंद का सुपौल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में असर दिखने लगा है। इसी कड़ी में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में NH 327 को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। आक्रोशित लोग सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। मालूम हो कि RRB और NTPC रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आज छात्रों द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें बिहार बंद को महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया है। BNP न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। आज 28 जनवरी को पूरे बिहार का बंद किया गया है और हम लोग छात्र के समर्थन में आज बिहार बंद किए हैं। यह बंदी छात्र के द्वारा NTPC और मतलब रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में जो धांधली की गई है और छात्रों के ऊपर जो बर्बर लाठी चार्ज किया गया है और विभिन्न जगह जो बिहार में छात्रों के ऊपर झूठा मुकदमा किया गया और उन्हें जबरन पुलिसिया जुर्म के तहत पीटा गया और हॉस्टलों में घुस घुस के अमानवीय कृत्य छात्रों के साथ की गई है, उसी में आज हम लोग पूरे बिहार को बंद किए हैं। उनके खिलाफ में पूरे बिहार का छात्र जो है उसके विरोध में टूट पड़ा और बिहार के छात्रों के साथ जो सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है, इस अन्याय को देखते हुए महागठबंधन की तमाम दल विद्यार्थियों के सवाल को लेकर के विद्यार्थियों के साथ जो ज्यादती सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ में आज पूरे बिहार को बंद किया गया है। और इसके समर्थन में हम देख रहे हैं जो पूरा बिहार का व्यवसायी से लेकर के मजदूर किसान छात्र नौजवान जो है एकमत हो गया है कि ये सरकार बिहार को चलाने लायक नहीं है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर डबल इंजन की सरकार को गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह सरकार जो है बिहार में कहीं भी छात्र के ऊपर जो जुल्म होता है, छात्रा के ऊपर जो जुल्म होता है, मजदूर के ऊपर जो जुल्म होता है, अकलियत के ऊपर जो जुल्म होता है, किसान के ऊपर जो जुल्म होता है, किसी जुल्म का ये ठोस जवाब अभी तक तैयार नहीं कर रहा है। इसलिए इस सरकार को नैतिकता के आधार पर गद्दी छोड़ देना चाहिए। इसी सवाल को लेकर के आज पूरा बिहार को बंद करने का आह्वान किया गया।